आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडल्ट या फिर नॉर्मल वाइटल साइन। एक पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन पीएच कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यानी कि एक पर्सन का वाइटल साइन, जब एक पर्सन नॉर्मल होता है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर कितना होता है, हार्ट रेट कितनी रहनी चाहिए, तो ये चीज़ें आती हैं वाइटल साइन के अंदर, यानी कि एक नॉर्मल वाइटल साइन ऑफ अ अडल्ट। तो टेम्परेचर यहाँ पर होगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ अडल्ट, यानी कि टेम्परेचर कितना है इसमें 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब एक कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो उसका टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एंड हार्ट रेट रहेगा उसका 60 to 90 बीट पर मिनट, पल्स रहेगी 60 to 99 बीट पर मिनट, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg एंड रेस्पिरेटरी रेट रहेगा 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, ऑक्सीजन सेचुरेशन रहेगा इसमें 95 to 100% एंड पीएच स्केल रहेगा इसमें 7.3 से लेकर 7.5, इस बीच में ही पीएच रहता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है, और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं थ्योरीज होती हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हार्ट रेट कितनी होती है, पल्स कितना होता है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी, पीएच स्केल, तो ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे कि पल्स कितनी होती है नॉर्मल पर्सन की, ब्लड प्रेशर कितना होता है, रेस्पिरेटरी कितनी होती है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो ये है वाइटल साइन एक नॉर्मल अडल्ट का। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।